68 आदिवासी जिलों से शुरू हुई यात्रा आज देश के सब कोनों में पहुंच गई है। वो सभी जगह नागरिक अतिशय उत्साह से यात्रा में भाग ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से जुड़े हैं, उनको स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सभी माननीय राज्यपाल, सभी माननीय मुख्यमंत्री, सभी माननीय केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद, विधायक एवं चुने हुए सभी प्रतिनिधि, देश के हजारों स्थानों से जुड़े हुए लाखों मेरे भारतीय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो जन जन तक योजनाओं पहुंचाने वाले ऐसे जनता को जो परिवार जन मानते हैं, ऐसे प्रधान सेवक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब शपथ ली थी तो आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की होगी, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला, मजदूर, जवान और किसान की होगी। और पिछले 9.5 वर्ष दिखाते हैं कि आपके अंतक प्रयासों ने देश में एक नया बदलाव लाए। जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई भी। 4 करोड़ पक्के मकान बनाना, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिलाना और वैक्सीन 220 करोड़ मुफ्त में दिलाना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने भारत में करके दिखाया है, जिसके लिए सदा हम आपके धन्यवादी। आपने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 5 राज्यों के चुनाव में अति व्यस्त होते हुए भी समय निकाला और झारखंड के खूंटी से, आदिवासी जिले से जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए, जहां एक और पीएम जनमन योजना को लॉन्च भी किया, जिन आदिवासी भाइयों बहनों तक लोग वर्षों तक नहीं देखे, आपने उनको भी सुविधाएं देने की बात कही। तो आपने ये भी कहा कि देश में जागरूकता भी फैलाएंगे और जो बच गए हैं उन तक लाभ भी पहुंचाएंगे, और यही सोच आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर निकली। पहले 75 ऐसे जिलों तक जो जनजातीय थे वहां तक, फिर 28 के बाद देश के अलग अलग कोनों तक। मुझे कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रसन्नता है कि अब तक पिछले 3-4 हफ्तों में ये 40,000 से ज्यादा पंचायतों में लगभग 1,20,00,000 लोग सीधे उन स्थानों तक पहुंचकर जागरूक भी हुए हैं और इन सेवाओं का लाभ भी लिया है। ये आपकी सोच के कारण संभव हो पाया है। जहां पर उज्ज्वला योजना के नए गैस कनेक्शन के लाभार्थी, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, टीबी की स्क्रीनिंग करनी हो, टीबी मुक्त भारत बनाना हो, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने हो, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो myBharat.gov.in इस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, स्वयं सेवक बन रहे हैं, नेतृत्व की क्षमता के उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है, और आपने जो संकल्प दिलाया है वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 9 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब आपने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसके लिए हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार है। आपने 10 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10 लाख का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक
अब सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 11 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। इसी तरह से ही हमारी उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को मात्र 603 रुपए में अब रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। माननीय मोदी जी, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी अब देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4,100 अर्बन लोकल बॉडीज में, जो हमारी शहरी निकाय हैं, उनमें भी जाएगी। करोड़ों लोग इससे जागरूक हो पाएंगे, आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। और आपने जो संकल्प दिलाया है कि विकसित भारत बनाने के लिए हर भारतीय को अपना योगदान देना है, आज मैं कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प के लिए ये महाअभियान जो आपने छोड़ा है, ये जन भागीदारी से जन आंदोलन बन जाएगा और 2047 से पहले ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, आज दुनिया में पिछले कई वर्षों में लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आप ही चुने जा रहे हैं। यह आपकी लोकप्रियता इसलिए है कि 2001 से लेकर 2023 तक आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, आपने अपना पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है। और यही आपका समर्पण भाव आज हर भारतीय को प्रेरित करता है। जहाँ तक हम रहते हैं कटैया में, सबको उजाला गैस मिला है, घर तक पहुँच गई, और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए, सबको पहुँचाए सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ, अभी भी जहाँ जहाँ कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है, उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या। और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है। और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती है, दिया जलाना, फीता काटना और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसका, उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है, तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के, हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो टिकना है, नहीं, हम सब महिलाएं एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है, हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिलकर के अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए, मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहां पहुंच रही है? अब सर हम चलेंगे पश्चिम भारत की तरफ, भरूच गुजरात, जहां अल्पेश भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार सर। केम जो? बस मजा में सर। ये हिंदी में बोलो उन फावसे। फावसे, फावसे सर। फावसे, तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्र भाई निजामा हूँ और मैं गुजरात में भरूच जिले के भरूच तहसील के गांव का रहने वाला हूँ। मैंने बीए किया और फिर मैंने मुंबई में सीटीआई का कोर्स किया और फिर बाद में हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर। क्या 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 कोर्स किया आपने? डिप्लोमा हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। अच्छा। फिर मैंने जॉब किया, फिर जॉब मैंने छोड़ दिया जॉब, और मेरे पापा की बड़ी लोग पास जमीन है उसमें मैं खेती करने लगा। तो कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 एकड़ है सर। तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए? हाँ सर। और मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए? हाँ सर। वाह,
तो आप तो खेती कर रहे हैं तो बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होता होगा कि भाई ये क्या है नौजवान, सारे लड़के तो गांव छोड़ छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया, तो सब लोग तुम्हारी मजाक उठाते होंगे। नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा आप खेती करते हैं किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं, क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2 AGR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे मिला, और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपया तक, और ये सब इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है, और जो आपकी जो पीएम सम्मान निधि योजना है सर उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात है। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वला देते हैं क्या, क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा। हाँ सर, मैं सर एक्चुअली आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर, और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी था इधर गांव के पंचायत में आए थे और वहां पे मुझे संदेश दिया कि इस ग्रुप में आप जुड़ो तो आपको जो भी अच्छे जो खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में उधर आपको विजिट करवाएंगे, उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग किसी कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे। तो फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया और आपका प्रोजेक्ट के मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला, उसमें तालुका कक्षा में जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है, और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार जो मुझे मिला आप भरूच में आए थे उसी का ही मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर, वो मेरी सौभाग्य की बात है और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा आपके पीछे कोई गुड़िया है कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है ये छोटी गुड़िया है जो बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हरी निजामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तो तुझे मालूम था कैसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? अच्छा वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह देखिए अल्पेश भाई आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है, आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावना है। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें, हमारी कोशिश है कि नई तकनीक इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपको आपके यहां शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा और अब तो खेती में जैसे गांव-गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है, आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है, तो इस जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना उसमें एक ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है, तो सब मुझे समझना चाहिए। और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूं,
अब जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहां से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े, इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए और चार पांच गांवों का जिम्मा लीजिए आप लेंगे। ये जितने पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, जिम्मा लेंगे। हाँ शाबाश, चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रह करके सारी जानकारियां लेते हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता है, सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है, किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया, किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रहीशी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था हिन्दुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है, देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है, और विश्वास एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, भीख मांगनी पर जो मनस्थिति रहती थी वो गई, सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है, जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए
अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, दो तीन हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे एक कार्यक्रम को जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है, इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया है, वो जो जानकारियां मुझे मिली है वो अद्भुत। जैसे कुछ गांवों में एक एक सप्ताह तक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया कि भाई चलो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, पूरा गांव लग गया स्वच्छता के अभियान में। कुछ गांवों में जो बताया गया कि सुबह 1 घंटा प्रभात फेरी कर रहे हैं, गांव गांव लोग के जागृति सुना रहे हैं, कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभाएं होती हैं तो वहां जो जागरूक टीचर है उन्होंने विकसित भारत क्या है, आजादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब उनका भविष्य कैसा होगा, इन सारे विषयों की स्कूल में चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। यानी ऐसे जागरूक जो शिक्षक है वो भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, और स्कूल के बच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गांवों में बढ़िया रंगोलियां बनाई है। कुछ लोगों ने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई तो गांव के फूल पत्ते पौधे लेकर के कहीं सूखे पत्ते से और हरे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बनाई है, अच्छे नारे लिखे हैं लोगों ने, कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए। यानी ये जो लोगों का उमंग है, और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के, आरती लेकर के, फूल लेकर के गांव के दरवाजे यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है, नाका होता है या गेट होता है वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते बोलते, यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना दिया। मुझे जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायतों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए हर गांव में अच्छी स्वागत समितियां बनाई हैं। गांव के सब बड़े बुजुर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोग, सबको स्वागत समितियों में जोड़ा है, और स्वागत समिति के लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रही है, जिम्मेदारियां संभाल रही है। मोदी की गारंटी की वाली जो गाड़ी आने वाली है ना, इसकी 1 दिन पहले से घोषणा हो रही है। अब तो मैंने कोशिश की है कि भाई जरा 1-2 दिन क्या सप्ते पहले बता दो भाई फलानी तारीख को आएगा, डिग्नी तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा, तो गांव वालों का इतना उत्साह है तो पहले से अगर पता चलेगा तो ज्यादा तैयारियां करेंगे। और जिन गांव में गाड़ी जाने वाली नहीं, अगल बगल के 2-4-5 किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनको भी बुला सकते हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है, और मैंने देखा उसमें सेल्फी प्वाइंट बनते हैं, इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं, और गांव के भी माताएं बहनें मोबाइल फोन का उपयोग करना, सेल्फी लेना
और ये सेल्फी अपलोड करते हैं, मैं देखता हूं इतने खुश नजर आते हैं लोग। और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओडिशा में जगह जगह पारंपरिक ट्राइबल डांस से नृत्य करते हैं लोग, जो परंपरागत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है, इतना शानदार नृत्य हो रहे हैं, उनका स्वागत किया है। वेस्ट खासी हिल के मुझे कुछ लोगों ने फोटो भेजे, उसका वीडियो भेजा, वेस्ट खासी हिल के रामराय में कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने खूब सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए।